शुरू करें। हर बार जब भी अभ्यास शुरू होगा, भले चौथे स्टेप तक हम पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी हर बार शुरू कहां से करेंगे? पहले स्टेप से, पहले से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। तो अभी हम लोग आज पहला और दूसरा स्टेप एक साथ करेंगे। कल पहला और दूसरा अलग अलग किए थे, आज पहला और दूसरा एक साथ करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे भाव विचार में चल क्या रहा है। हम उसके प्रति सिर्फ अवेयर हो जाए, अवेयरनेस बढ़ जाए, उसका प्रयास करेंगे। और जैसे जैसे हमारे भाव विचार में जो चल रहा है उसका अवेयरनेस बढ़ रहा है, फिर आप अगले लेवल का अवेयरनेस बढ़ाएंगे, स्टेप टू शुरू करेंगे। उसमें ये देखेंगे कि उस भाव विचार के साथ हम अपने में आराम में हैं या बेचैन हैं, अंतर्द्वंद में हैं या हारमनी में हैं, सुखी हैं या दुखी, सहज महसूस कर रहे हैं या असहज महसूस कर रहे हैं। ये दोनों स्टेप को एक साथ करने का प्रयास करेंगे। तो पहला शुरू करेंगे, थोड़ी देर तक पहला स्टेप जब विचार अभ्यास में दिखने लग जाएगा तब फिर हम दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। से रोकने या बदलने का प्रयास नहीं करना, अच्छा मानकर उसको रोकने का, तो खराब मानकर उसे हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, जैसा चल रहा है सिर्फ वैसा देखते रहेंगे। तो ये भी सजगता बढ़ाने का प्रयास करें कि इसके साथ आप आराम में हैं, बेचैन हैं, सहज हैं, असहज हैं, हारमनी में हैं, अंतर्द्वंद में हैं, सुखी हैं, दुखी हैं। बताइए, चार पांच लोगों की शेयरिंग हम लोग सुनेंगे। हाँ, पहले सभी को सुप्रभात, नमस्कार। हाँ सर, कल की तुलना में अगर आज के विचार को हम देखें तो एक तो उसमें जो है संख्या कम हो जा रही है और कंटिन्यूटी लगातार आ रही है, और उसमें से जो अंदर की चीजें हैं अब उन पे ध्यान देना शुरू, विचार के साथ विचार का जो कंटेंट में अंदर जो छुपी हुई चीज है वो थोड़ी थोड़ी अब पकड़ में आना आरंभ हो गई। उसके साथ इस पर ध्यान जा पा रहा है क्या कि किसी कंटेंट के साथ आप सहज हैं, किसी में असहजता बढ़ रही है?
एग्जैक्टली यही मैंने इवेल्युएट करने का कोशिश किया कि वो कौन कौन सी स्थिति थी जहां मैं सहज अनुभव किया जो रिसेंट पास्ट में हमारी हुई, तो उसमें सभी में एक ही कंटेंट मतलब एक ही सिमिलरिटी चीज निकल के आ रही है कि हाँ या तो मैं किसी के साथ प्रतिस्पर्धा में था उस समय, या कहीं मैं एक्सेप्टेंस ही चाह रहा था, मुझे जो है वहां पर जो है इवन चाहे काउंटर आर्गुमेंट ही मिल गया तो उसमें भी मैंने जो है एक प्रतिस्पर्धा देखी उसमें, तो वहां पे मैं ऐसे अनुभव किया उन चीजों के कारण। हेलो नमस्ते सबको भैया, मुझे तो बहुत शांति की अनुभूति हुई और मुझे बाद ही जंगल नदियाँ झरने चिड़िया की गल। सबसे पहले स्टार्ट मेरी बेटी बनारस BHU में पढ़ती है तो मैं वहाँ जाती तो वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर और भोले बाबा का मंदिर विश्वनाथ मंदिर ही आया। उसके बाद सीधे डायरेक्ट मैं हिमालय चली गई और वहाँ की वादियाँ ऋषिकेश से ऊपर की जो वादियाँ हैं और चिड़िया की कलकलाहट और नदियाँ जो बह रही है उसकी शांति, बहुत शांति अनुभूति हुई मुझे, यही दिखा और कुछ दिखा ही नहीं, बच्चों की खुशी उसके बहुत कुछ चलता हुआ देख रहे हैं उसके साथ एक सहजता महसूस हो रही है, बहुत शांति और बच्चों की खुशी, बच्चे जो हंस रहे हैं और यही दिखा मुझे और कुछ दिखा ही नहीं। अगली बार और उस पर और बारीकी से देखेंगे तो और कुछ गहराइयाँ दिखेंगी। सभी को नमस्ते। मैं जैसे अभी हम गोरखपुर में थे तो वहाँ पे मैं मतलब योगा क्लास जाती थी वहाँ, तो वो मैम हमें सुबह पहले ध्यान करवाते थे और फिर एक्सरसाइज वगैरह, तो उस ध्यान में जो मैम बोलती थी कि हम एक अच्छी जगह बैठे हैं, मतलब पेड़ पौधे हैं, चिड़िया है, और उसके बाद मतलब हमें भगवान जी के मतलब साक्षात दर्शन हुए उन्होंने, तो वो जैसे जैसे बोलते थे तो हम वैसे चित्र बनाते थे अंदर, जैसे चिड़िया का बोला तो अंदर चिड़िया का चित्र बना, भगवान का बोला तो भगवान जी का चित्र बना, हमने उनके पैर तो मतलब ऐसा कुछ मतलब हम बनाते थे और वो हमें दिखता था। लेकिन आपने जो बोला कि जो विचार चले उनको ही आप देखते रहो, तो अभी जो मतलब विचार बन रहे थे तो कल आपने ये गिलास वाला उदाहरण दिया, तो कल शाम को मैंने ये बात भी रखी थी कि मुझे ये अच्छे से समझ आया कि सुविधा वाला कि सुविधा में सुख नहीं है, अगर हमारा संबंध और समझ अच्छी होगी तो सुविधा मतलब अपने आप हो ही जाएगी। तो ये चीज़ मैंने जी भी है, पहले मैं गांव में रहती थी अभी शहर में आई थी, ये चीज़ हुई भी है मेरे साथ। तो जैसे घर में रहते तो कल से भी आ रहा और आज मैं जब यहाँ बैठी तभी भी मेरे अंदर यही चीज़ आ रही है कि पहले हमारे पास सुविधा कम थी तो टाइम भी था, गाँव के लोग सब एक जगह इकट्ठे बैठते भी थे और मतलब बातें भी होती थी, लेकिन काश हमें ये चीज़ मिल जाती ठीक है, तो आज हमें यहाँ बैठ के ध्यान इन चीज़ों को मतलब वो नहीं अपने आप वो चीज़ हो जाती, तो ये चीज़ बार बार मतलब अंदर आ रही थी कि तो वहाँ पे टाइम तो बहुत मिलता था लेकिन कोई सार्थक बात नहीं होती थी, मतलब वही विरोध मतलब जो चलता आ रहा है, तो ये चीज़ बार बार अंदर मतलब आ रही, तो पता नहीं मेरे अंदर वो चित्रण मैं बना के वो बना रही थी या तभी वो चीज़ें आ रही थी या अपने आप आ रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था ये ऐसा हुआ। तो जो भी चल रहा था आप जितना बता रही हैं उसमें आप क्या महसूस कर रही थी, सहज या असहज? मतलब असहज महसूस कर रहे थे कि मतलब उस टाइम से मतलब ऐसी चीजें होती तो मतलब कितना अच्छा होता, तो एक असहजता के साथ कुछ अपने में चल रहा। ठीक, और लोग जी आप कुछ शेयर कर रही थी। हाँ कुछ नमस्ते भैया जी, नमस्ते। मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने बहुत बचपन में चल गई हूँ एकदम, और बहन भाई सब खेल रहे हैं, पेड़ पौधे नदी वगैरह सब दिखा, फिर उसके बाद अपनी शादी भी दिखी, शादी के बाद ससुराल आ रही हूँ, बच्चे सब दिखे, जैसे मेरा बड़े वाला बच्चा है वो हमेशा शिविर में साथ होता है, इस बार वो सीकर में पढ़ाई कर रहा है, तो उसका बचपन वो बड़ा, तो वो सोच रही थी कि वो साथ भी होता तो बहुत अच्छा होता जी। तो ये सब जो अपने भीतर आप देख रही थी उसके साथ सहज महसूस कर रही थी या असहज महसूस कर रही थी? बचपन में तो भैया सहज ही था, जैसे वो बच्चा साथ में नहीं है थोड़ा तो थोड़ा असहज भी लगा तो कोई भाव विचार आपको सहज किया और कोई असहज किया। भैया ऐसा भी ऑब्जर्व होता है कि मतलब मैं अपने दिमाग में कुछ स्क्रिप्ट लिखती रहती हूँ कि ये मिलेगा तो इसको ऐसा बोलना है, ऐसा होगा तो ऐसा करूँगी, ऐसा होगा तो ऐसा करूँगी, और एक डर रहता है हमेशा रहता है, तो ये दो चीजें तो कॉन्स्टेंटली कल भी थी और आज भी थी जी। तो आप ये देख रही थी कि भीतर जो चल रहा है उसमें कोई व्यक्ति है उसके साथ कुछ संवाद चल रहा है, फिर ये चल रहा है वो ऐसा बोलेगा तो हम ऐसा बोलेंगे, वो ऐसा कहेगा तो हम ऐसा कहेंगे, उस पर थोड़ा फोकस करेंगे ना तो इस पर ध्यान जाएगा कि वो जो चल रहा है
उसमें विरोध चल रहा है कि सहयोग चल रहा है, उसमें प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि पूरकता चल रहा है ना, जो भी ये स्क्रिप्ट चल रहा है जो आप लिख रही हैं बार बार या जो भी बोल रही हैं, उसके मूल में क्या है ना, उसके मूल में संबंध का भाव है, विरोध का भाव है, अपमान का भाव है, सम्मान का भाव है। तो जैसे मेरे में सम्मान का भाव होगा तो भी मैं कई सारी बातें कर सकता हूँ, अच्छा वो मिलेगा ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा कहूँगा, ये कहेगा तो ऐसा कहूँगा। हो सकता है उसी संवाद में मेरे अंदर अपमान का भाव चल रहा हो तो अच्छा ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा करूँगा, वैसा बोलेगा मैं ऐसा करूँगा। लेकिन उसके मूल में जाएंगे तो एक जगह सम्मान का भाव चल रहा है और एक जगह अपमान का। उसको पकड़िए कि उस स्क्रिप्ट के पीछे जो भाव है वो क्या है, सम्मान का, अपमान का, स्नेह का, द्वेष का, पूरकता का या प्रतिस्पर्धा का, वो क्या है। जब वो पकड़ में आएगा ना तो धीरे धीरे दिखेगा कि ये इतना स्क्रिप्ट लिखने का जो बोझा आपके ऊपर है ना, वो धीरे धीरे कम होगा। अभी क्या है, एक एक चीज़ चलाते रहते, अच्छा वो ऐसा बोलेगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा कहेगा तो ऐसा करेंगे, और ये बहुत अपने में थकाऊ काम है ना, बहुत और प्रतिक्रिया भी बहुत आती है ना। एक बार उसके पीछे के भाव पर ध्यान लगने जाने लग जाए तो ये दिखता है कि भाई भाव ये जो है हमको दिख गया, जब मिलेगा, जब बात होगी तो कर लेंगे। तो धीरे धीरे ये जो स्क्रिप्ट का दबाव है ना कि ये बोलेगा तो ये वो अपने ऊपर से कम होता है। ऐसा भी होता है कि जो सोच रखा होता है वो जवाब नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद क्या जवाब दूँ पता ही नहीं चलता उस टाइम। तो भाव एक बार निश्चित हो जाता है ना, ये भाव है, तो उस समय जो बोल रहा है हम उस भाव के साथ भाषा उस समय तय कर पाते हैं। भाव अभी अपने में स्पष्ट नहीं रहता है तो हमको भाषा पे ही काम करते रहना पड़ता है। अब भाषा कितना डेवलप करेंगे आप तो बड़ा बोझा है ना। इसका उपाय आसान ये है कि हम भाव पर ध्यान देने लगे कि भाई उसके पीछे का भाव क्या है, संबंध का कि विरोध का, स्नेह का कि देश का, और वहाँ भाव ठीक हो जाए फिर ये बोझा खत्म हो जाता है। फिर जब वो मिलेगा तो भाई जैसे बात होगी बात कर लेंगे, भाव ही तो कम्युनिकेट करना है ना, उस समय जो भी जरूरत पड़ेगी भाषा का वो दे लेंगे। तो इस प्रक्रिया को थोड़ा करेंगे तो आप काफ़ी आराम में आएंगे वहाँ से, है ना जी। और मतलब एक और चीज़ भी हुई, जैसे कल आपने बोला था कि इसको ट्रैक नहीं करना, ऑब्जर्व करना, पर मतलब बार बार ट्रैक में फंस जा रहे हैं। ठीक है, तो चार दिन और अभ्यास करिए। ध्यान ये दीजिए कि हमको इस क्षण जो भाव दिख रहा है, विचार दिख रहा है, उसके प्रति ऑब्जर्वेंट रहना है। पीछे जो निकल गया निकल गया, अगला फिर आएगा उसको फिर ऑब्जर्व करना है। जो निकल गया वो थोड़ी देर में घूम फिर के दो चार दिन में फिर आता है, कहिए उसी आधे घंटे में फिर लौट के आ जाए। तो गोल गोल विचार वृत्ति बोलते हैं ना, वो गोल गोल घूमता ही रहता है ना, तो उसकी चिंता नहीं करने की, वे निकल गया ठीक है फिर लौट के आएगा तब देख लेंगे। पटिशन जो चल रहा है उसके प्रति होश में आना है ना, तो धीरे 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 वो अभ्यास आपका कम होगा जी। आप कुछ कहना चाह रहे भैया? पहले तो स्टार्टिंग में ये होने लगा कि जैसे खुद पे ध्यान गया तो एक दो मिनट तक तो कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब शून्य चल रहा था, और फिर थोड़ी देर बाद सिर दुखने लग गया यहाँ से। उसके बाद में कुछ भाव आया थोड़ी देर बाद की, जिससे मैं कल दो तीन लोगों से बातें कर रहा था तो थोड़ा बहुत वो भाव आया, और जैसे ही पता चला कि ये देखना है कि सहज है असहज है, तो वो भाव भी चला गया। और फिर पता चल रहा था कि नहीं, अब जैसे ही आंखें खोलेंगे तो भैया को ऐसा ऐसा बोलना है, तो ऐसा आ रहा था। और मतलब एक तरह से ज़्यादा भाव असहज वाले ही थे उनमें ऐसा। उसको मैं फिर कहूँगा कि क्या बोलना है वो दबाव मत लीजिए, अन्यथा पूरे समय ध्यान उस पर रहता है, उस कारण जो भीतर दिख रहा है उस पर आप फोकस नहीं कर पाते। अधिक से अधिक क्या होगा, आप कुछ नहीं बता पाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अरे लेकिन धीरे धीरे अपने प्रति जब होश बढ़ेगा तो वो जो है ना ये भूल जाने का डर है वो भी ख़त्म होगा, धीरे धीरे हम उसको वो भी कर पाएंगे, है ना। तो इस बार थोड़ा उस डर से मुक्त होकर के देखिए, बता पाएँ ठीक है, नहीं बता पाएँ कोई बात नहीं, अपने को तो पता होना चाहिए इस क्षण का वास्तविकता जी। भैया नमस्ते, जो मैंने अभी जो ध्यान किया तो जो विचार आए थे उसमें ज़्यादा दुखदायी विचार ज़्यादा आए थे, असहज विचार, हाँ, दुख देने वाले विचार, जिसको अपन परिवार में अपन शेयरिंग नहीं करते हैं, वो बातें दिमाग में चल रही थी। उस टाइम अपन ने इग्नोर कर दिया उन बातों को, बच्चे ने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, अपन ने इग्नोर कर दिया, वो साइलेंट हो गया। लेकिन अभी जैसे बैठे तो वो द्वंद चालू हो गया, तो फिर मैंने क्या तुरंत मेरे श्वास पे ध्यान दिया तो वो मेरे कट हो गया, वो विचार चला गया। मैंने ये कहा था शुरुआती स्टेप है कि आपने उसको खराब माना, तब उससे भागने के लिए सांस पे लौट आए, श्वास तो, पे ध्यान दिया। तो बेसिकली हुआ क्या, आप सेल्फ से भाग के शरीर पे आ गए, जीवन से भाग के
शरीर पे आ गया, भाग लेने से वो ठीक नहीं हो गया, नहीं हुआ, वो वापस आपने वैसे ही है कि ध्यान कहीं और लगा लिया, लेकिन वो अंदर तो बना ही रहा, अपना काम तो वो कर ही रहा है। हम यहाँ ये कह रहे हैं कि भागने की जरूरत नहीं है, है ना, उसको अच्छा या खराब मानने की भी जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा देखें, उससे असहजता हो रही है तो असहजता हो रही है, उसको हम देख रहे हैं, है ना। अब अगले जो स्टेप्स बताएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो उस प्रक्रिया में वो धीरे धीरे कैसे रिमूव होगा, कैसे साफ होगा, कैसे ठीक होगा, उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। मैं इसमें एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि जितनी देर अपन ने देखे उसमें दुख भरी बातें आई, तो अच्छी बातें दिमाग में नहीं आई उस टाइम। वही मैं इसलिए फिर इस बात को कह रहा हूँ कि ये जो भी चल रहा है वो मेरे अंदर एक विचार है, उसको न तो अच्छा मानिए और न ही खराब। जैसा चल रहा है हमको उसके प्रति होश में आना है, है ना। वो असहज कर रहा है तो भी, सहज कर रहा है तो भी, तभी बहुत उसको बहुत खराब मान के भागने की जरूरत नहीं है, या बहुत अच्छा मान के उससे चिपकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके प्रति एक होश बने कि वो चल क्या रहा है, तो फिर आगे के स्टेप में उस पर काम हो पाएगा। अन्यथा बार बार अपन भागेंगे या चिपकाव बनाएंगे तो आगे के स्टेप पे उस पर काम ही नहीं हो पाएगा, वो बार बार बाहर भाग आएंगे, तो ऐसे ही होगा, वो छिटक के बाहर भाग गए वहाँ क्या काम होगा, है ना, वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक लोगों को और सुन के फिर हम लोग तीसरे स्टेप के अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी एक लोग। भैया मेरे साथ भी यही हो रहा है कि जैसे उन दीदी ने बोला कि फ्यूचर की स्क्रिप्ट चलती रहती है, मेरे साथ पास्ट की चलती रहती है कि मैंने उसे क्या बोला, ये नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे विचार आ रहे हैं कि ये गलत बोल दिया मैंने उसे, ऐसे ऐसे वाले विचार आ रहे हैं, वह सहज करते रहते हैं, है ना। तो दो स्टेप तो कम से कम दिखे कि ये सब चल रहा है और इससे मैं असहज हो रहा हूँ, ये दोनों दिख रहे हैं। हाँ, अब आगे की जो गति है, है ना, अगला जो तीसरा, चौथा, पांचवा स्टेप होगा, अब धीरे धीरे उसको ठीक करने वाला होगा, लेकिन उसको फिर खराब मान के भागिए नहीं, अच्छा मान के चिपकाइए नहीं, होश पूर्वक उसको देखिए कि क्या चल रहा है और उससे मैं सहज महसूस कर रहा हूँ या असहज। तो अच्छी बात है, जो चला वो आप देख पाए और उसे असहज महसूस कर रहे हैं ये भी आपको पता चला, ये दोनों बातें तो पता चली ना। हाँ। तो यानी दोनों स्टेप पे काम हुआ, अब आगे और काम करेंगे। ठीक है, अब स्टेप थ्री करते, तो पहला दोनों स्टेप से ही शुरू करेंगे, पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर जब थोड़ी स्थिरता बन जाएगी, हम असहजता सहजता को महसूस करने लगेंगे, तब फिर तीसरा स्टेप शुरू करेंगे। तीसरे स्टेप पे हम अब ये देखेंगे कि जो भी मेरे भाव विचार में चल रहा है, जिससे मैं सहज हो रहा हूँ या असहज हो रहा हूँ, है ना, ये मेरे स्वभाव के अनुकूल है क्या, ये मेरे मानवीय स्वभाव के अनुकूल है क्या, ये मेरे सहज स्वीकृति के अनुकूल है क्या। ऐसा तो नहीं जो ये चल रहा है वो असहज सहज स्वीकार ना हो, है ना। तब तीसरे स्टेप में क्या देखने वाले हैं कि वो मेरे लिए, है ना, मेरे स्वभाव के अनुकूल है या नहीं, मेरे मानवीय स्वभाव के अनुकूल है या नहीं, मेरी सहज स्वीकृति के अनुकूल है या। तो स्वभाव कहूँ, मानवीय स्वभाव कहूँ, सहज स्वीकृति कहूँ, ये तीनों अलग अलग बात है, एक ही बात है, तीनों यहाँ पर हम लोग एक ही बात कह रहे हैं। स्वभाव कोई, मानवीय स्वभाव कोई, कई बार स्वभाव भी कह रहे हैं और उसी को ही क्या कह रहे हैं, सहज स्वीकृति। तो चाहे आप स्वभाव शब्द से देखिए, चाहे मानवीय स्वभाव शब्द से देखिए, या उसको सहज स्वीकृति, जो भी शब्द आप उस जोड़ते हो, ये कई सारे शब्द इसलिए बोलते हैं कि हर आदमी कोई ना कोई शब्द से उससे कनेक्ट कर ले। तो तीसरे स्टेप में क्या है, पहले स्टेप में भाव विचार देख रहे हैं, दूसरे स्टेप में हम सहज हैं कि असहज, तीसरे स्टेप में कि जो कुछ भी ये मेरे भीतर चल रहा है ये मेरे सहज स्वीकृति के अनुकूल है या नहीं, है ना, या दूसरी भाषा में कहूँ तो मानवीय स्वभाव के अनुकूल है या नहीं, या तीसरी भाषा में कहूँ तो मेरे स्वभाव के अनुकूल है या नहीं। तो तीसरे स्टेप में ये करेंगे, थोड़ी देर तक जब ये तीसरा स्टेप चल जाएगा तब फिर चौथा स्टेप भी शुरू करेंगे। चौथे स्टेप में ये देखने का प्रयास करेंगे, ये जो कुछ मेरे भीतर चल रहा है उसे मैं खुद चला रहा हूँ या कोई और मेरे भीतर चला रहा है। चौथा स्टेप पहुँच पा रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो कुछ भी मेरे भीतर चल रहा है इसको चला कौन रहा है, मैं खुद ही चलाने का निर्णय ले रहा हूँ या कोई और व्यक्ति बाहर से या बाहर की परिस्थितियाँ मेरे भीतर इसको चला रही हैं। ये कौन सा स्टेप हो गया, चौथे। पहले तीसरा थोड़ी देर करेंगे, फिर उसके बाद चौथे पे फोकस करेंगे। शुरू करो। तो वापस वैसे ही शुरू करेंगे,
थोड़ी देर तक अपने भाव विचार को देखने का काम करेंगे। तो ये भी देखने का प्रयास करें कि उसके साथ सहज हैं या असहज, आराम में हैं, बेचैन हैं, सुखी हैं, दुखी हैं। आराम में हूँ, परेशान हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ। एक बार जब ये दिखने लगे तो ये भी देखने का प्रयास करें कि ये मेरे मानवीय स्वभाव के अनुकूल है या नहीं, मुझे सहज स्वीकार है या नहीं। तो दिखता है कि जो मुझे सहज स्वीकार है, जो मेरे मानवीय स्वभाव के अनुकूल है, वैसा भाव विचार जब मेरे में चल रहा है तो मैं आराम में आता हूँ, सुखी होता हूँ। कुछ ऐसा चल रहा है जो मेरे मानवीय स्वभाव के अनुकूल नहीं है, सहज स्वीकार नहीं है, तो मैं बेचैन होता हूँ, दुखी होता हूँ। ये पहले तीन स्टेप को अपने भीतर देखकर ये निष्कर्ष बनता है कि अगर मेरे भीतर कोई ऐसा भाव विचार चल रहा है जो मेरे सहज स्वीकृति के अनुकूल नहीं है, मेरे मानवीय स्वभाव के अनुकूल नहीं है, तो मैं उससे दुखी होता हूँ, बेचैन होता हूँ। कोई ऐसा भाव विचार मेरे भीतर चल रहा है जो मेरे सहज स्वीकृति के अनुकूल है, मेरे मानवीय स्वभाव के अनुकूल है, तो मैं उससे सुखी होता हूँ, आराम में आता हूँ, संगीत में आता हूँ। एक बार ये तीनों स्टेप को देखने में स्थिरता आने लगे, अब चौथे स्टेप को अपने भीतर देख सकते हैं कि जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, इसको चलाने का निर्णय किसका है, कौन चला रहा मेरे भीतर, चाहे मैं इससे सहज हो रहा हूँ या असहज हो रहा हूँ, इसको चला कौन रहा है, मैं खुद ही चला रहा हूँ या कोई बाहरी व्यक्ति मेरे भीतर इसको चला रहा है। जो भी भाव विचार इस क्षण मेरे में चल रहे हैं, उसको चलाने का निर्णय मेरा खुद का है या कोई बाहरी व्यक्ति मुझे बाध्य कर रहा है उसको चलाने के लिए। पाँच मिनट हम लोग होश पूर्वक इसको देखने की कोशिश करें कि जो कुछ भी चल रहा है उससे मैं खुद ही चला रहा हूँ या कोई बाहर से चलवा रहा है मुझसे, उसको चलाने का निर्णय मेरा खुद का है या कोई और इसका निर्णय ले रहा है। इसको 2-3 मिनट ऑब्जर्व करेंगे। सहज भाव विचार चल रहे हो या असहज करने वाले भाव विचार चल रहे हो, इसको चला कौन रहा है, इसको अपने भीतर चलाने का निर्णय किसका है, मेरा खुद का या कोई बाहरी परिस्थितियां मेरे भीतर इस निर्णय को कर रही। ध्यान देता हूं तो पता चलता है कि वो तो मैं ही चला रहा हूं, मेरा ही निर्णय है उसको चलाने का। बाहरी लोग या बाहरी परिस्थितियां तो मात्र कुछ शब्द बोल रहे हैं या कभी बोले थे या बोलने की संभावना है, लेकिन वो सब तो मात्र एक ट्रिगर का काम कर रहा है। चलाने का निर्णय तो उससे मेरा ही है। तो किसी व्यक्ति के व्यवहार या शब्दों को देखें तो वो मेरे को ट्रिगर करने का प्रयास कर सकता है, उससे मेरे भाव विचार को ट्रिगर करना है कि नहीं ट्रिगर करना है, ये निर्णय तो मेरा ही है। ट्रिगर करने के बाद कौन सा भाव विचार चलाना है, कौन सा नहीं चलाना है, ये निर्णय भी मेरा ही है। बाहरी लोग, बाहरी परिस्थितियां कुछ शब्द, कुछ व्यवहार कर सकते हैं,
लेकिन भाव विचार में क्या चले मेरे, वो नहीं तय कर सकते, वो तो मैं ही तय कर रहा हूँ। जब होश पूर्वक नहीं रहता हूँ तो उनके बोले गए शब्दों के आधार पर मैं कुछ शब्द तय करने लग जाता हूँ, तो मुझे भ्रम होता है कि मेरा भाव विचार वो तय कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता जब ध्यान पूर्वक अपने में देखता हूँ तो पता चलता है कि वो तो कुछ शब्द बोल रहे हैं, कुछ व्यवहार कर रहे हैं, उससे मेरे भाव विचार को ट्रिगर करने का प्रयास कर रहे हैं। उससे ट्रिगर होना है कि नहीं होना है ये निर्णय मेरा है। ट्रिगर होके कौन सा भाव विचार अपने में चलाना है, कौन सा नहीं चलाना है, ये निर्णय भी मेरा है। इसलिए जो भी भाव विचार मेरे में चल रहा है 100% जिम्मेदार उसका मैं हूँ। इसलिए उस भाव विचार से अगर मैं सुखी भी हो रहा हूँ तो सुख का भी 100% जिम्मेदार मैं ही हूँ, और अगर बेचैन हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, तो उस भाव विचार से होने वाली बेचैनी और दुख का भी 100% जिम्मेदार मैं ही हूँ। दूसरा व्यक्ति तो कुछ भाव शब्द बोल रहा है, मैं होश पूर्वक उससे देखता हूँ तो अपने में देख पाता हूँ कि ट्रिगर होने का निर्णय मेरा है, क्या ट्रिगर होकर चलाना है ये निर्णय मेरा है। तब ये निष्कर्ष बनता है कि जो कुछ मेरे भीतर चल रहा है उसका जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, मैं ही चला रहा हूँ, मैंने ही इसको चलाने का निर्णय लिया हुआ है इस क्षण। बाहरी परिस्थिति या बाहरी लोग तो कुछ शब्द बोल रहे हैं, कुछ व्यवहार कर रहे हैं, कभी मैं उससे ट्रिगर होता हूँ, कभी ट्रिगर नहीं होता हूँ। तो ट्रिगर होने का निर्णय तो मेरा है, ट्रिगर हो के जो भी कुछ मेरे भीतर चल रहा है वो निर्णय भी मेरा है। इसलिए चाहे सहज भाव चल रहे हैं या असहज चल रहे हैं, चला मैं ही रहा हूँ, इसलिए होने वाले सुख दुख के लिए भी जिम्मेदार मैं ही हूँ। एक बार जब अपने भीतर दिखता है तब एक तैयारी बनती है कि मैं अपने पे काम करके जो दुख जिन भाव विचार से मुझे मिल रहा है मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि निर्णय मेरा है। तो असहज अस्वाभाविक भाव चला के दुखी हो रहा हूँ तो सहज और स्वाभाविक भाव चलाकर सुखी भी हो सकता हूँ। तब जाकर जिम्मेदारी अपने पे आती है। ये चौथा स्टेप बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, इसको बहुत गहराई से करने की जरूरत है। ये ना देख पाने के कारण ही हमारा विकास यात्रा बाधित रहता है। हम बार बार दुखी और बेचैन होते हैं और दोषारोपण दूसरों पे डाल देते हैं कि उसके कारण हो रहे। एक बार चौथा स्टेप अपने भीतर दिख जाता है तो ये दिखता है कि दूसरे लोग कुछ शब्द बोल रहे हैं, कुछ व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उन शब्द और व्यवहार से ट्रिगर होना है नहीं होना है इसमें मेरा निर्णय है। फिर कौन सा भाव विचार चलाना है इसमें भी मेरा निर्णय है। तो इसलिए मैं समझ करके सही भाव विचार चला सकता हूँ, ना समझी मैं गलत भाव विचार भी चला सकता हूँ। तब जा कर के हम अपने दुख की जिम्मेदारी खुद स्वीकारते हैं और उससे मुक्त होने के लिए जो स्वयं में प्रयास करना है उसकी तत्परता बनती है। और धीरे धीरे बार बार हम हो रहे अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए अपने भीतर स्वयं पर काम शुरू करते हैं। जब तक ये चौथा स्टेप अपने भीतर नहीं दिख पाता तब तक हम चाहे जितना बेचैन हो लें हर बार अपनी बेचैनी का कारण दूसरों के माथे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अपने भीतर कोई काम करने की तैयारी नहीं होती है, ना जिम्मेदारी स्वीकारते हैं और ना उसके लिए कुछ करते हैं। हर बार यही आता है कि दूसरे को ठीक कर लें, उसको समझा लें, उसका व्यवहार ठीक कर दें तो हम ठीक हो जाएंगे। ये चौथा स्टेप ना दिख पाने के कारण ही ये बेचैनी बार बार होती है। अपने में ये चौथा स्टेप ठीक ठीक दिख पाए तब हम अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार होते हैं। तो 2 मिनट इस चौथे स्टेप को ठीक से देखने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद आपकी शेयरिंग सुनेंगे।
सर जब मतलब आगे वाले स्टेप पे बढ़े तो जो मतलब विचार तो वही रखे जो मतलब पिछले दो तीन स्टेप में चल रहे थे, तो उसमें और आगे जाके देखा कि कौन चला रहा है या क्या मैं उससे साथ सहज हूँ या असहज हूँ, तो सर दो चीज समझ में आई। पहली बात तो ये आई कि जहाँ मूल प्रवृत्ति जो है हमारी वो हारमोनी में ही रहने की है, जहाँ जहाँ मैं परेशान हुआ हूँ वहाँ परेशान हुआ हूँ जहाँ मेरी हारमोनी डिस्टर्ब हुई है, और दूसरा अब मैं ये समझता हूँ कि दूसरा आदमी भी इसलिए परेशान है कि उसकी हारमोनी डिस्टर्ब हुई है, भले ही वो चाहे वो मेरे कारण हुई है चाहे वो दूसरे के कारण हुई है, और जितने हमारे एफर्ट्स हैं वो भी एक तरीके से हम हारमोनी में ही लाने के लिए प्रयास करते हैं, परेशान भी इसलिए हो रहे हैं कि हम हारमोनी हमारी डिस्टर्ब हो रही है और उसका हारमोनी में लाने का हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। और जो जिम्मेदार की विचार क्यों चल रहे हैं, तो हाँ अलाउ हम कर रहे हैं, परंतु अलाउ करने के पीछे जो मुझे प्रवृत्ति नजर आ रही है वो ये है कि हम मूल प्रवृत्ति हम हारमोनी में ही रहना चाहते हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं जी। तो उसको चलाने का निर्णय हमारा है, इस बात पर थोड़ा और अगली बार जब अभ्यास करें और जोर दिया जाए, है ना, कि ठीक से दिखे, मान न लिया जाए, क्योंकि वहाँ जब ठीक से दिखता है कि वो चलाने का निर्णय मेरा है, मैं ही चला रहा हूँ, तभी फिर जिम्मेदारी भी पकड़ में आती है, अन्यथा बार बार लगता है मेरी डिसहार्मनी का जिम्मेदार सामने वाला, और जब तक ये दिखता रहता है हमका हमारा अपने पे काम करने का कोई मानस ही नहीं बनता, हम दूसरे को ही ठीक करने का प्रोग्राम बनाते रहते हैं अपनी हारमनी के लिए भी। लेकिन एक बार अपने भीतर दिखे कि मेरे भीतर जो चल रहा है वो चलाने का निर्णय मेरा है, चाहे उससे हारमनी हो रही है तो भी, डिसहारमनी हो रही है तो भी, तब जा कर के हम अपने पे काम करने की तत्परता बना पाते हैं, है ना, अपने को हारमनी में लाने के लिए, अन्यथा हम अपने में हारमनी में लाने के लिए भी प्रोग्राम दूसरे को ही ठीक करने का बना रहे हैं। नमस्ते भैया, तो मेरे जो विचार चल रहे थे तो सेकंड स्टेप तक जैसा कि अपन सहज है या असहज है, तो विचार तो पूरा नहीं था, जैसे दो तीन दिन से मेरा चल रहा था उस विचार से मैं पहले असहज था, बट आज जैसे उस बात पे कुछ जो चल रहा था जिससे मैं असहज था उस पे कुछ बात हुई, तो ऐसा मुझे जब लेट भी आया था तो बाहर बात करके आया था किसी बात से, तो जब मैं यहाँ बैठा फिर वही विचार चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं ठीक हुआ है, और ठीक भी हुआ तो उसके पीछे मैं देख पाया कि तीन दिन में जो जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा बेचैन था तो उसमें भी कैसे मतलब मैं शांत था, अगर वो सामने वाला कुछ बात बोल रहा था तो उस बात में भी मैं एक गलत जवाब देने की वजह वो नहीं दे पा रहा था, मतलब शांत था, मैंने कहा ठीक है वो परेशान है तो किसी वजह से परेशान है, लेकिन उस टाइम में मैं भी परेशान भी था, लेकिन ये जरूर था कि मैं एक रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, मतलब ऐसा कुछ नहीं अटपटा नहीं बोला उनको जिससे कि उनको ज़्यादा बुरा लगे, तो उसका परिणाम मुझे ऐसा लग रहा था आज कि हाँ वो थोड़ा ठीक हुआ है, और उन्होंने खुद ने ऐसा कुछ बात की जिससे उनको भी लग रहा है कि हाँ ये एफर्ट्स कर रहा है कुछ करने के लिए तो वो ठीक है, ऐसा विचार चल रहा था, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक स्थिति में हूँ। तीसरा स्टेप जो बताया था कि जैसे अपन चला रहे हैं या कोई और चला रहा है, चौथा स्टेप था, तीसरा में तो ये देखना था कि ये मुझे सहज स्वीकार है, सहज स्वीकार है या नहीं, तो सहज स्वीकार में इसमें भी पहले भी जैसा पहले आपने बताया था तो उस टाइम भी घर पे भी प्रयास किया था लेकिन इतना हो नहीं पाता है घर पे, जैसे अभी तो इतनी देर बैठ के अपन कर पाए, लेकिन घर पे कई बार ऐसा रहता है कि सेकंड स्टेप तक की उलझ जाता है तो फिर बाद में वो छूट जाता है वहाँ से कि वाह अब रहने देते हैं, या फिर कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बैठता हूँ तो तब ऐसे विचार नहीं आते, या फिर कब पढ़ रहा हूँ पढ़ने बैठे तो और उस टाइम ज़्यादा आता है, या फिर सोने गए तब ज़्यादा आता है, ऐसा लगा था कि हाँ आप कुछ विचार देख लें तो वो नहीं देख पाते, तो इसके लिए भी फिर मैंने बात की थी तो बताया गया था कि ऐसे जब भी विचार आते तो उसको लिख देना चाहिए, वो भी मैं नियमित नहीं कर पाया कि हाँ कभी आए तो विचार लिख दे फिर बाद में देख पाए, तो ऐसा भी नहीं कर पाए, तो इसके लिए भी क्या कर सकूँ इसके लिए भी मुझे आप बताएं, तो आज का तो यही रहा था। मैं उस पूरी प्रक्रिया में मेरा मुख्य फोकस तो इस बात पर है कि आपका ध्यान जाए कि इस क्षण जो भाव विचार आप में चल रहा है उससे आप सहज हैं कि असहज हैं, तो आप कुछ बता पाए कि किसी से सहज थे और किसी से असहज। फिर अगले स्टेप में मैंने कहा था कि वो आपके सहज स्वीकृति के अनुरूप है या नहीं, है ना, तो उसको अगली बार और देखिएगा। चौथे स्टेप में ये कहा था कि जो कुछ भी वो चल रहा है आपके भीतर उसको चला कौन रहा है, आप खुद चला रहे हैं या कोई और व्यक्ति आपके भीतर चलाने का निर्णय ले रहा है, चाहे वो सहज स्वीकार भाव हो या सहज स्वीकार भाव ना हो, आपको असहज करने वाले भाव विचार हो या सहज करने वाले भाव विचार हो, उसको आपके भीतर चला कौन रहा है, आप खुद ही चला रहे हैं या बाहर की कोई परिस्थितियां आपके भीतर चला रही हैं,
वो वाले बात को ज़्यादा फोकस करके अभी देखिए तो आगे की तरफ गति होगी। परिस्थितियों में भैया ऐसा होता है कि कई बार ऐसा लगता है किसी से कोई वार्तालाप हुई या कोई इंसिडेंस हुआ है तो वो चीज़ चलती तो है और चलती तब ऐसा देख पाते तब बेचैनी भी बहुत ज़्यादा होती है कई बार ऐसा। उसी को मैं कह रहा हूँ कि जो आपके भीतर वो वार्तालाप चलता हुआ दिख रहा है ना सर, वो वार्तालाप कौन चला रहा है? आप खुद चला रहे हैं, कोई बाहरी परिस्थिति आपके भीतर चला रही है? वो जिस समय अभ्यास कर रहे हैं उस समय फोकस होकर के देखिए कि भाई जो भी वार्तालाप कभी बाहर हुआ था वो तो बाहर हो गया, इस क्षण वो वार्तालाप आपके भीतर कौन चला रहा है? वो व्यक्ति तो इस समय आपके पास है नहीं, वो आपके विचार में पूरा दृश्य बन रहा है, वो पूरा रिपीट हो रहा है, वो कौन कर रहा है? आप खुद ही कर रहे हैं कि वो वाला व्यक्ति करवा रहा है आपसे? तो करते तो अपन हम खुद ही करते हैं। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी भी जो आप कह रहे हैं ये मान के कह रहे हैं। हाँ। उसको अपने भीतर जिस क्षण ये हो रहा है उस क्षण होश पूर्वक देखिए कि ये मैं ही कर रहा हूँ या कोई बाहर से मुझसे करवा रहा है। लॉजिकली तो ठीक है कि भाई कर तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते प्रॉपर्ली। हाँ। और पकड़ भी लेते तो फिर मान लेते तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। इसलिए कह रहा हूँ कि उसी क्षण उसको देखें जब वो चल रहा है, माने नहीं कि भाई इस क्षण में चला रहा हूँ तो ये निर्णय मेरा है या कोई और बाहर का चला रहा है, उस क्षण उसको ऑब्जर्व करिएगा जब अगली बार। लेकिन भैया ये कहने में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक देख पाएंगे, लेकिन जब होता है तब ऐसा लगता है कि इतना बेचैन हो जाते कई बार फिर ध्यान भी नहीं दे पाते, देख नहीं पाते। इसलिए या तो फिर उससे छोड़ देते हैं या कुछ और। इसलिए मैं उसको बीच बीच में बोलता रहता हूँ कि ध्यान उस पर जाए, अगली बार जब करेंगे तो कोशिश अगले स्टेप पे करेंगे, है ना। दो स्टेप एक साथ जंप करा रहा हूँ मैं, तीन और चार, तो थोड़ा उसमें कठिनाई तो हो रही होगी। जी भैया, इस बार ऐसा हुआ कि विचार तो दिख रहे थे कुछ भी, जब जैसे पहले हुआ था कि शून्य हो रहा था या फिर सिर दर्द हो रहा था, भारी हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हो रहा था कि भाव चल रहा है, उसको देख लिया, उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि मैं तो सही फील कर रहा हूँ उसको देख कर, लेकिन मेरे अनुकूल नहीं है वो देखना, या फिर अगर मैं किसी को बताऊं कि मैंने वो देखा तो वो सही नहीं है, बताना भी सही नहीं है, या फिर मुझको सहज स्वीकृत नहीं है। मैं देख रहा हूं जो तो मेरे को अच्छा लग ही रहा है, मुझको टेम्परेरी प्लेजर भी दे रहा है, लेकिन वो देखना मेरे लिए सही नहीं है। उसके बाद मैं देखा तो पता चला कि चला भी मैं ही रहा हूं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब कुछ और दूसरा सही सोच के ट्राई करते हैं। तो भाव देखा, फिर खुद से देखा और लंबे टाइम तक देखा, तो जब देखा उसके बाद देखा कि इससे तो मैं सहज स्वीकृत हुई, किसी के प्रति कृतज्ञता का भाव आया, कृतज्ञता का। उसके बाद में देखा कि ये नेचुरली एक्सेप्टेबल भी है ही सही मेरे को। तो उसके बाद में देखा कि ये स्टार्टिंग में मैंने ही चलाया था और मैं चला के खुद ही भूल गया, और वो लगभग 5-7 मिनट बहुत लंबा विचार था वो। तो उसके बाद में ऐसा लगा कि वो विचार तो वो भी मैंने ही चलाया था और उसके पहले वाला भी मैंने ही चलाया था। जी, तो इसको और देखेंगे दोनों स्टेप को, तीसरे और चौथे को, किसी एक लोगों की शेयरिंग और सुनेंगे, फिर एक बार 2 मिनट के लिए इस अभ्यास को फिर से करेंगे। तो जैसे आपने बोला कि ऐसे मैंने तो मतलब आँख बंद करके सोच रहा था अपने बारे में और अपने भाव विचार को देखने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं देख ही नहीं पा रहा था, मुझे फोर्स करना पड़ रहा था कुछ सोचने के लिए, और फोर्स किया पर तो भी वो नहीं, जैसे कि ऐसे ही रेंडम बैठे हो तो रेंडम थॉट पॉपअप होता है दिमाग के अंदर, पर वो भी नहीं हुआ। सिर्फ मैं कोशिश कर रहा था पर सोच नहीं पाया, जैसे कि ना तो कोई पास्ट की कोई चीज़ चल रही थी ना फ्यूचर के बारे में कोई, सिर्फ जैसे प्रेजेंट के अंदर जैसे पंखा चल रहा है तो पंखे की आवाज़ आ रही, तो वो सिर्फ मुझे फोर्स करना पड़ रहा था। आज आप पहले दिन आए हैं सर, बाकी सब लोग भी पहले दिन ऐसा ही महसूस कर रहे थे, तो आपको दो तीन दिन लगेगा। जी शुरू में तो वही है, बच्चों के चेहरे मतलब वैसा ही कुछ चला, और काफ़ी देर बैठने के बाद लग रहा था नींद आ रही है, ठीक है, और पैर में मतलब दर्द सा हो रहा, मतलब बैठने से मतलब लग रहा कि दर्द हो रहा, तो उस पर ध्यान गया, और बीच बीच में जब ये बच्चा वो कर आवाज़ कर रहा था तो एक मतलब अंदर से घबराहट सी हो रही थी, पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा था, लेकिन घबराहट सी हो रही थी, और मतलब आंखें बंद करके काफ़ी देर बैठने के बाद लग रहा था नींद सी आ रही है, और अंदर क्या चला वो कुछ इस तरह ट्रैक भी लॉस हो गया होगा। हाँ, दिखा नहीं मतलब, ठीक है ना। तो हम लोग इस चौथे स्टेप के अभ्यास को चाहे तो 2 मिनट करके क्लोज करें, या आप लोग खुद से दिन में करते रहें, कल और लगाएंगे समय इस पर। इस पूरे अभ्यास का सबसे क्रूशियल स्टेप है ये चौथा स्टेप,
शुरुआती दिनों में मैंने इसलिए इंसर्ट कर दिया, आज ही की आज तीसरा दिन है, कल और समय इस पे लगा पाएंगे तो जो भी बाधाएं हैं उसको हम लोग पार कर पाएंगे, है ना। तो आगे के स्टेप्स पे आगे बात हो, तो अगर आप लोग कहें तो हम लोग सेशन आगे बढ़ा लें, या अगर बहुत थक ना गए हो तो 2 मिनट चौथे स्टेप का अभ्यास करके फिर आगे बढ़े, क्या ठीक है? सेशन आगे बढ़ा लें, एक बार और कर लें 2 मिनट, बहुत कुछ लोग थक गए इसलिए मुझे लग रहा था कि चलिए तो 2 मिनट कर लेते हैं, जो थक गए वो ना करें कोई बात नहीं, जो नहीं थके हैं करना चाह रहे हैं वो 2 मिनट कर लें एक बार फिर से। मुख्य फोकस अपने को चौथे स्टेप पर यही देखना है कि वो भाव विचार जो भी मेरे भीतर चल रहा है वो मैं स्वयं चला रहा हूँ, ये मेरा निर्णय है, या कोई और मेरे भीतर उसको चलाने के लिए बाध्य करना है। फोकस अपना उस पर रखने का प्रयास करना है। शुरू हर बार कौन से स्टेप से करेंगे? पहले से, फिर दूसरे, फिर तीसरे, तब चौथे। डायरेक्ट जंप करेंगे तो हमेशा लड़खड़ाएंगे,